हिंदुस्तान की हृदय स्थली मध्य प्रदेश, वो मध्य प्रदेश जहां संस्कार सर्वोपरि हैं और जहां की हर बिटिया अपने मुख्यमंत्री मामा की लाडली है। मध्य प्रदेश सरकार की हमेशा कोशिश रहती है कि प्रदेश के हर बच्चे के चेहरे पे मुस्कान हो और हर महिला बिना किसी डर के आगे बढ़े। लेकिन प्रदेश में पिछले दिनों महिलाओं एवं बच्चों के साथ हुई कुछ अमानवीय घटनाओं ने न सिर्फ समाज को झकझोर दिया बल्कि सरकार को भी सोचने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि जब भी ऐसी घटना घटती है तो घाव सिर्फ महिला के शरीर पर ही नहीं होते बल्कि उसका दर्द समाज को भी हिलाकर रख देता है। इन घटनाओं से चिंतित होकर प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिया कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसा प्रयास हो जिससे पूरे प्रदेश में महिला एवं बच्चों की सुरक्षा की जागरूकता तो पहले ही, साथ ही समाज में महिला सम्मान के प्रति सकारात्मक संदेश भी जाए। मुख्यमंत्री जी के इसी निर्देश को आत्मसात करते हुए प्रदेश के महिला सशक्तिकरण एवं पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से शुरू किया सम्मान सुरक्षा सुरक्षा संवाद कार्यक्रम, जिसके लिए सबसे पहले मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए और उन्हें पूरे प्रदेश में भेजा गया। कार्यक्रम की महत्वता को समझते हुए 22 जनवरी को मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायाधीश महोदय के कहने पर विधि विधायी विभाग भी आगे आया। महिला सशक्तिकरण और पुलिस विभाग के साथ संयुक्त रूप से पहल करते हुए कार्यक्रम का सहभागी बना। एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी मिलकर एक साथ एक मंच पर महिला सुरक्षा के लिए आए, ये देश में पहली बार हो रहा है, जिसके लिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे चीफ जस्टिस गुप्ता जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 24 जनवरी यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश के 702 थानों पर एक साथ महिला एवं बच्चों की सुरक्षा को लेकर आम जनता से सीधा संवाद किया गया। 24 जनवरी को हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश के 1,67,483 लोगों ने एक साथ भाग लिया, जहां उन्हें माननीय न्यायाधीश महोदयों, पुलिस प्रशासन और महिला सशक्तिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं और विभिन्न समाजों के प्रमुखों की उपस्थिति एवं मार्गदर्शन में महिला सुरक्षा के विभिन्न अधिनियमों पॉक्सो अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध, चाइल्ड लाइन, जेंडर समानता, वन स्टॉप सेंटर, घरेलू महिला हिंसा और आत्म सुरक्षा के विभिन्न उपायों की जानकारी से पीपीटी एवं फिल्म के माध्यम से रूबरू कराया गया। कार्यक्रम में इस संवेदनशील मुद्दे से जुड़े आम जनता के द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों पर भी चर्चा की गई। साथ ही सरकार द्वारा विभिन्न सहायक टोल फ्री नंबरों और सहायक मोबाइल ऐप के बारे में भी जागरूक किया गया। पुलिस प्रांगण में कार्यक्रम होने से जहां एक ओर महिलाओं की थानों के प्रति झिझक कम हुई, वहीं दूसरी ओर पुलिस से एक मित्रवत संबंध की स्थापना हुई। सम्मान सुरक्षा सुरक्षा संवाद कार्यक्रम के प्रथम चरण में जहां 24 जनवरी को प्रदेश के थानों में संवाद किया गया, वहीं दूसरे एवं तीसरे चरण में क्रमशः 3 एवं 17 फरवरी को प्रदेश की बड़ी एवं छोटी पंचायतों में संवाद कार्यक्रम जारी रखा गया। इस पहल की सबसे खास बात यही रही कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक लोग एक साथ एक दिन एक ही समय पर किसी विषय पर विचार कर रहे हों और कुल मिलाकर 4,82,581 लोगों का संवेदीकरण हुआ है। इस पहल का चतुर्थ चरण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर 8 मार्च को मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में राजधानी भोपाल में किया जाएगा।